स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कैलीग्राफी गुरुजी में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हैंडराइटिंग को कैसे सुधारें या हाउ टू इम्प्रूव हैंडराइटिंग। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने इससे पहले मेरी वीडियो कभी नहीं देखी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन पहुंचती रहे और हर वीडियो आप तुरंत देख पाए। हैंडराइटिंग अच्छी है तो आप बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी नंबर उठा सकते हैं। अगर आपने सही लिखा है और अच्छी राइटिंग है तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आपकी राइटिंग ख़राब है तो आप सही लिखने पर भी आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा, राइटिंग के नंबर काट दिए जाएंगे। तो राइटिंग सुधारने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए, अगर वीडियो को बीच में स्किप कर देंगे तो आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। तो टिप नंबर वन है हमारी हैंड राइटिंग सुधारने की, कि आपको सुलेख में खूब प्रैक्टिस करनी है। 50-60 रुपए की बुक आती है, इसे खरीद लीजिए और उसमें अक्षर को चढ़ाइए। अक्षर को चढ़ाने से आपका हाथ सेट हो जाएगा और आपके अक्षर गलत नहीं बनेंगे, इधर उधर भागेंगे नहीं, सीधे बनेंगे और अच्छे बनेंगे। टिप नंबर टू है हमारी, कि आपको शुरुआत में अपने अक्षरों को बड़ा बड़ा लिखना है, खूब बड़ा बड़ा जिस प्रकार मैं लिख, आपको ऐसे ही खूब बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है, सुंदर सुंदर लिखना है, मतलब कि आपके अक्षर टेढ़े मेढ़े ना बने, एकदम अच्छे बने, और खूब धीरे धीरे लिखेंगे तभी आपके अक्षर बनेंगे ठीक से। की चिंता मत कीजिए, टाइम चाहे इतना लगे, आपको अपने अक्षरों को अच्छा बनाना है, और स्पीड बाद में ही आएगी जब आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। तो आप धीरे धीरे अक्षरों को छोटा कर लिखते जाएं, छोटा लिखने की कोशिश करें और स्पीड में एक्यूरेसी के साथ, मतलब कि आपके अक्षर तिरछे नहीं बनने चाहिए टेढ़े मेढ़े, धीरे धीरे ऐसे ही लिखें। टिप नंबर थ्री है हमारी, कि आपको अपने अक्षरों को बराबर बनाना है, सभी अक्षर एक जैसे हो, एक अक्षर बड़ा एक अक्षर छोटा ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम बराबर अक्षर हो। जैसे मैंने लिखा है, घनश्याम के नीचे लाइन खींच कर देखें, कोई भी अक्षर लिखें और लाइन खींच कर देखें, अगर लाइन में अक्षर छू नहीं रहे हैं तो आपका अक्षर। टिप नंबर फोर है हमारी, कि आपको अपने अक्षरों को, अगर आप सीधा लिखते हैं तो सीधा ही लिखें और तिरछा लिखते हैं तो तिरछा ही लिखें, तिरछा और सीधा दोनों एक में ही मिलाकर लिखेंगे तो आपकी हैंडराइटिंग ख़राब दिखेगी। तो आप अगर सीधा लिखते हैं तो सीधा ही लिखें। बहुत लोग क्या करते हैं, राइटिंग बनाने के चक्कर में पेन को बहुत टाइटली कर लेते हैं, आपको पेन को कंफर्ट जोन में अपने जितना आप पकड़ सकते हैं वैसा पकड़िए, और जैसा आप लिखते हैं तिरछा लिखते हैं तिरछा लिखिए, सीधा लिखते हैं तो सीधा लिखिए अक्षरों को, और छोटे बड़े नहीं लिखिए अक्षरों को, एक सीधे लिखिए। टिप नंबर फाइव हमारी, कि आपको अपने टुकड़ों में बनाना है, जैसे मैं बना रहा हूँ, इसी ऐसे ही सब अक्षरों को छोटे छोटे पहले थोड़ा बनाइए, फिर और ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, और फिर पूरा अक्षर बनाइए, इससे आपका अक्षर टेढ़े मेढ़ा नहीं है, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। टिप नंबर फोर है हमारी, कि आपके शब्दों के बीच प्रॉपर स्पेसिंग रहनी चाहिए, मतलब कि अक्षरों के बीच दूरी रहनी चाहिए, अगर आप अक्षरों को सटा कर लिख देंगे तो आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं दिखेगी। तो अगर बीच में स्पेस रखिए थोड़ा थोड़ा। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।